विधानसभा या सदस्य है निर्वाचित तो अस्मि ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितम भारतस्य संविधानम प्रति सत्य श्रद्धाम निष्ठा च रक्षिष्यामि अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षिष्यामि यत पदम च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानाम सदापूर्वकम निर्वहणम करिष्यामि। जुबैर खान ये विधानसभा या सदस्य निर्वाचित अस्मि ईश्वर सपते एवं विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्षामि अहम भारत से प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्षस्यामि यते पच्चे अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्याना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करिष्यामि। श्री जेठानंद व्यास 66 मैं पिछली सरकार में नंबर टू के मंत्री थे, अब आप निर्दलीय के रूप में आए हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी डीडवाना के लिए? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जनता है, जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे हो, और जिस तरीके से राजस्थान में विगत 5 वर्षों में काम हुआ है और उसमें जो कमियां रही हैं वो राजस्थान विधानसभा पटल पे रखना और सरकार के सामने जनता से जुड़ी भी विशेष रूप से युवा बेरोजगार जो है उनकी समस्याएं, किसानों की समस्याएं, और सबसे बड़ी जो राजस्थान में आज की तारीख में जो प्रॉब्लम है वो पीने के पानी की प्रॉब्लम है, तो पीने की पानी की प्रॉब्लम कैसे दूर हो और शिक्षा में सुधार कैसे हो, इन विषयों को लेकर के जहां जहां भी जिस स्तर पर भी जाना होगा निश्चित रूप से उस बात को रखेंगे। सरकार का समर्थन करेंगे? अभी मैं तो जनता को समर्थन करूंगा, मेरा समर्थन राजस्थान की जनता को है। युनुस भाई, आप पिछली वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, प्रभावशाली मंत्री थे, इस बार जो कैबिनेट बनेगी अल्पसंख्यक चेहरा कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई ये देखिए ये सरकार का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये था कि जनता ने मुझे आदेश दिया, मैंने फॉर्म भरा, जनता ने जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया। विचारधारा आपकी वही रहेगी? मेरी बात सुनिए, अभी तो जनता ही विचारधारा है।